हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि हम चैट जीपीटी की मदद से कैसे अपनी कोडिंग लाइफ को इजी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस के बारे में बताता हूँ कि हम अगर एसक्यूएल में एक डेटाबेस क्रिएट करना है और उसका स्ट्रक्चर और टेबल्स हमें पता है तो हम विद इन सेकेंड कैसे उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी चैट जीपीटी को एक कमांड दूंगा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आप देखना, मैं टेबल का नेम एंड फिर कॉलम्स का नेम डिफाइन करके और इसको एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि पूरी क्वेरी ये मुझे क्रिएट करके देगा। और मैं वो क्वेरी अगर अपने डेटाबेस में रन करूंगा तो मेरा जो डेटाबेस है और टेबल है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे ये विद इन सेकेंड होगा। तो इस तरह से हम अपनी कोडिंग लाइफ को वेरी इजी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो मुझे ये कॉलम्स चाहिए, इसके बाद मैं इसको सेंड करता हूँ तो आप देखते हैं कि ये मुझे वही कॉलम्स और डेटाबेस और जो टेबल है वो क्रिएट करने की क्वेरी प्रोवाइड कर देगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ओपन करता हूँ अपना डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो। तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो गए हैं। अभी आप न्यू क्वेरी पे क्लिक करते हैं और इसके बाद मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि दो डेटाबेस इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अभी हम एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डेटाबेस क्रिएट की क्वेरी रन करनी होगी। तो मैं इस क्वेरी को सबसे पहले रन करता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हम डेटाबेस रिफ्रेश करके देखेंगे कि हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया है। हाँ, तो इस पर राइट क्लिक करके हम इस पर न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा जो टेबल वाला कोड है वो यहाँ पे पेस्ट करके और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया। अभी हम देखेंगे टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट है। अभी हम इसका डिज़ाइन देखते हैं। डिज़ाइन में आप देखेंगे कि वही सारे कॉलम्स होंगे जो हमने क्वेरी में दिए थे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इस में मुझे पूरे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ जाए, मतलब कि डमी डेटा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहीं पे क्वेरी लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पे इतना लिख कर सेंड कर दिया और मुझे पूरे 10 रिकॉर्ड्स ये लाकर दे देगा, वो भी डमी रिकॉर्ड्स। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने डेटाबेस में जाकर पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये खाली है बिल्कुल। अभी हम क्या करेंगे, क्वेरी रन करेंगे। ये मैंने क्वेरी डाल दी, अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे। 10 रोज इफेक्टेड। तो अभी हम इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 10 रोज एडिट हो चुकी हैं। अभी हम इसमें एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि हम अगर हमारी क्वेरी में कोई दिक्कत है, मतलब कि कोई कॉमा की मिस्टेक है या कुछ और मिस्टेक है, तो उसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कॉमा ये हटा देते हैं और एक यहाँ से हटा देते हैं। अभी इसको कॉपी करके चैट जीपीटी में जाते हैं और उससे हम एरर फाइंड आउट करने की एक लाइन लिखते हैं, फाइंड द एरर इन दिस कोड। तो मैं अपना कोड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अभी आप देखते हैं कि ये कुछ सेट करता है या फिर, तो इसने हमें फर्स्ट लाइन में बता दिया कि कॉमा जो है वो मिसिंग था और किस लाइन में कहाँ पे मिसिंग था वो भी इसने बता दिया है, और उसके साथ इसने ये कॉमा ऐड भी कर दिया है। तो इससे आप अपनी कोडिंग लाइफ को बहुत ईजी कर सकते हो, क्योंकि एरर्स का कई बार पता नहीं चलता कि कहाँ पे है। तो इससे हम ईजीली अपना कोड यहाँ पे पेस्ट करके और अपना एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इससे हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट चैट जीपीटी से पूछने वाले हैं कि हमें टॉप 5 प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट आइडिया दे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए। तो उसके लिए मैं ये लाइन ऐड करता हूँ और इसको सेंड करता हूँ तो हम देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसने हमें बताया पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट हम बना सकते हैं HTML, CSS और JS की मदद से। सेकंड है टास्क मैनेजर और थर्ड है क्विज एप्लीकेशन। फोर्थ इसने दिया वेदर ऐप और लास्ट जो है टू डू लिस्ट। इसके अलावा हम और कोई लैंग्वेज के बारे में भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ टॉप 5 एंगुलर प्रोजेक्ट आइडियाज़
फोर प्रैक्टिस। तो अब हम देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो सबसे पहला इसने दिया टू डू लिस्ट एप्लीकेशन और सेकंड मूवी कैटलॉग। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसने मुझे टॉप फाइव जो आइडियाज़ हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसकी मदद से मैं अपनी प्रैक्टिस एंगुलर की प्रैक्टिस ईजिली कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं आप कितना ईजी है। और अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये है, मेरे पास एक वेब API है .NET Core की। तो इसमें अगर मैं मुझे कोई एरर आता है तो क्या उसे ChatGPT रिजोल्व कर पाता है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस कोड को पहले कॉपी करता हूँ, नहीं उसके पहले मैं इसमें एक एरर खुद से डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डॉट ऐड कर देता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि उस डॉट को ये फाइंड आउट कर पाता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे डॉट ऐड कर दी। अभी हम इसको कॉपी करके और ChatGPT से इसका एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक एरर ऑन दिस कोड। तो कोड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। तो इसने क्या किया, इसका एक और वर्ज़न मुझे क्रिएट करके दे दिया और हम देखते हैं कि इसमें डॉट को इसने रिमूव किया है या नहीं। तो इसने डॉट को तो रिमूव कर दिया है, मतलब कि इसने हमारा कोड बिल्कुल सेट कर दिया है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं कोडिंग में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।